कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन प्लस हाफ से लेके एन प्लस वन, फिर आगे कॉमा लगा के एन बिलोंग्स टू आई, ऐसे भी लिखते हैं, वो एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लॉग के अंदर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू। फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन इज लॉग के अंदर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस टू। ये क्वेश्चन था शायद, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। हाँ, यही क्वेश्चन है। फिर लॉग है तो फिर शुरू हो जाओ, कंडीशन वन कि जो आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस टू वो पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन टू इज़ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इनइक्वालिटीज़ हैं, सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉरी, सॉल्यूशन तो यहीं शुरू हो गया, सॉल्यूशन के अंदर ही हमने कंडीशन लिखा था। हाँ, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे भी तुम्हें सॉल्व करना आता है कर लिया, हम तो ऐसे करते हैं एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर नंबर लाइन पे सारे रूट्स प्लॉट किए, माइनस थ्री माइनस टू थ्री, फिर सबसे बड़े रूट के राइट में प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल। तो इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन वन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। ये तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन होगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी का। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में सॉल्व करते समय बताया था कि अगर दो ऐसे लीनियर फैक्टर हैं तो उसको भी क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। एक रूट वन है, डिनोमिनेटर वाला रूट माइनस वन है, तो अगर हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो आउटसाइड द रूट्स। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। अगर कोई बच्चा पूछे ये कैसे आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जाओ इनइक्वालिटी पढ़ के आओ, इनइक्वालिटी वाला वीडियो देखो, वहाँ पे सीखो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे वहाँ सॉल्व किया था ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा तरीका नहीं लगेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, जो वहाँ तरीका लगाया था वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। तीसरा क्या बोला, कि ये वन नहीं होना चाहिए। थर्ड बोला एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन शुड नॉट बी वन, तो ये तो वन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये वन कब होगा, जब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बराबर हो जाए, मतलब यहाँ से कि जब माइनस वन और वन बराबर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उसका ना, ये हमेशा ही सही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इट कैन नॉट बी वन। ठीक है, इट कैन नॉट बी वन। ओके, तो फाइनली आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू का मतलब हम ऐसे ही बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा एस थ्री हो गया। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स फाइनल सोल्यूशन का मतलब क्या है, डोमेन जो होगा दैट विल बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू इंटरसेक्शन एस थ्री, क्योंकि तीन कंडीशन है, कंडीशंस के बीच में तो हमेशा इंटरसेक्शन आता है, तो तीन कंडीशन है तो तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये आ गया इंटरसेक्शन। एक ने बोला माइनस थ्री से माइनस टू, थ्री से इन्फिनिटी, चलो लिख लेते हैं। एस वन ने बोला माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, एस टू ने बोला माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, एस थ्री ने बोला आर, ये आर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन वन से इन्फिनिटी, तीसरा ही हो गया।
इन तीनों का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन के हिसाब से ये तो रिडंडेंट है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर का तो जिसके साथ इंटरसेक्शन लोगे वही आ जाएगा। ऊपर वालों का इंटरसेक्शन चलो एक बार और दिखा दिया, 1 3 मान लिया ऐसे है नंबर लाइन पे, तो इसने वो क्या बोला, -3 से -2 और 3 से इन्फिनिटी, मतलब इसके आगे आगे। ये तो हमारा सोल्यूशन 1 हो गया। सोल्यूशन 2 ने क्या बोला कि -1 से पहले पहले एंड 1 के आगे आगे। तीसरे ने क्या बोला, पूरा रियल ना है। तो इन तीनों में कॉमन क्या कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन है, ये इंटरवल, और फिर 3 के आगे आगे वाला पूरा कॉमन है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, S1 ही हो गया, -3 से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यही डोमेन हो गया, यही डोमेन है, मतलब यही आंसर है। ठीक है, दिस वॉज 5th क्वेश्चन। फिर 6th क्वेश्चन लेना चाहिए, तो पहले डिस्कस कर चुके। एक मिनट, हाँ ये वाले क्वेश्चन थे। 6th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 4th रूट ऑफ ln x स्क्वायर माइनस 3। तो एक बार और, 6th क्वेश्चन क्या है, 4th रूट ऑफ ln x स्क्वायर माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है। फिर इसमें तो 4th रूट लिखा हुआ है किसी चीज़ का, तो आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, 4th रूट है तो मतलब इवन रूट है, इवन रूट है तो जो भी अंदर है ln x स्क्वायर माइनस 3 वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आ गया। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे कर लिया। कैसे सॉल्व करते हैं कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, जैसे x² - 3 है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो जाके फिर पढ़ो। इनइक्वालिटीज वहाँ पे बोला गया था, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे बोला था कि कोई भी इनइक्वालिटी दे रखा है लॉगरिथमिक, पहले डोमेन निकालो, उसके बाद जो भी इनइक्वालिटी देखा उसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी का डोमेन निकालूँ, क्वेश्चन का डोमेन इज अ डिफरेंट थिंग, वो निकालने के लिए ये इनइक्वालिटी बना, तो इस इनइक्वालिटी के डोमेन के लिए x² - 3 पॉजिटिव होना चाहिए। सही है, और फिर अगर मैंने लॉग हटाया, इफ यू आर रिमूविंग लॉग, रिमूव लॉग, तो यह आ जाएगा x² - 3 इज ग्रेटर देन e^0, क्योंकि यहाँ पे बेस e है, e 1 से बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। अगर पहले लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ रखा है तो ये समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है, कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो, अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला ही साइन रहेगा। e^0 कितना हो गया, 1। तो ये हमारा S1 हो गया, ये S2 हो गया। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और जो हमने पहली बार बोला था, अगर वो समझ में आया था, क्योंकि इसने क्या बोला है, S1 ने क्या बोला है, पहले वाले सॉल्यूशन ने क्या बोला कि x² - 3 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसने क्या बोला कि x² - 3 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन है, कंडीशन है मतलब दोनों सही होने चाहिए। तो x² - 3 0 से भी बड़ा होना चाहिए, x² - 3 1 से भी बड़ा होना चाहिए। देन यू शुड अप्रिशिएट कि हमें इतना बोलना सफिशियंट है कि x² - 3 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या निकला, अगर x² - 3 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि इसका जो सोल्यूशन आएगा एंड x² - 3 ग्रेटर देन 0 का जो सोल्यूशन आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो यही आंसर आ जाएगा जो इसका आंसर है, वरना निकाल के देख लेना अपने आप। दिस इज x² - 4 ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक है, x² का कोशेंट पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आउटसाइड द रूट्स। तो आउटसाइड द रूट्स आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन लिए, 6 के 6 डिस्कस कर लिए।